बिरयानी खाना किसे नहीं पसंद है, सबको पसंद है। अगर रेस्टोरेंट जैसा घर पर बिरयानी मिल जाए तो क्या ही बात है। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इजी तरीके से अंडा बिरयानी की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी आज की वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और रेसिपी अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है बासमती चावल। तो मैंने यहाँ पे 50 ग्राम लिया है बासमती चावल। अभी इन चावलों को 2-3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो वॉश करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना, जो चावल है वो टूट सकता है। तो मैंने यहाँ पे 2-3 बार अच्छे से वॉश कर ली है और फिर से पानी डाल के इसे भिगो के रख देंगे 10-15 मिनट के लिए, ताकि चावल जो है वो थोड़ा सा नरम हो जाए। तो अभी इस चावलों को रख देंगे साइड पे। और मैंने यहाँ पे ले लिया है 5 बॉयल अंडा। अभी अंडे को इस तरह से साइड में से कट लगा लेंगे। तो कट लगाने से क्या होता है, अंडे के अंदर अच्छे से मसाला चला जाता है और खाने में टेस्टी लगता है। तो मैंने सभी अंडे को कट लगा ली है। इसमें डाल दी है थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको रख देंगे 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। अभी एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई को हल्का सा गर्म होने देंगे। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाए इसमें डाल देंगे ऑयल। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है ऑयल और ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो मैंने यहाँ पे 4 बड़े साइज की प्याज को इस तरह से लंबे स्लाइस में कट कर लिया है। तो सभी प्याज को डाल देंगे और प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो बिरयानी में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है प्याज को फ्राई करना, उसी में ज़्यादा समय लगता है। तो प्याज को रख देंगे फ्राई होने के लिए, तो थोड़ा ज़्यादा समय लेता है ना, इसको रख देंगे साइड पे और दूसरे काम कर लेते हैं अभी। तो मैंने यहाँ पे एक बर्तन पे पानी डाल दिया है। अभी इसमें कुछ करे मसाले डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे दालचीनी के 2 टुकड़े डाल दिया है 6 छोटे साइज की इलायची। अगर आपके पास बड़े साइज की इलायची हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। डाल दिया है 8 लौंग और उसी के साथ मैंने यहाँ पर डाल दिया है 2 तेजपत्ता। अभी डाल देंगे इसमें नमक। तो नमक मैंने यहाँ पे 3 छोटा चम्मच डाल दिया है। अभी पानी को ना 10-15 मिनट के लिए अच्छे से उबालने के लिए रख देंगे, ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो अच्छी तरह से बाहर आ जाए। तो इस पानी को बॉईल होने के लिए रख देंगे साइड पे। अभी प्याज को चेक कर लेंगे। प्याज जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। तो और 5 मिनट के लिए इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देख सकते हैं 5 मिनट के बाद प्याज का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो इस तरह से लगातार और 5 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे। प्याज का कलर जब इस तरह से हो जाए तो गैस के सामने से बिल्कुल मत हटना, नहीं तो प्याज जो है पूरा जल सकता है। तो देख सकते हैं प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और तुरंत इस प्याज को निकाल लेंगे, नहीं तो जो प्याज है वो जल जाएगा। तो मैंने सभी प्याज को निकाल लिया है। अभी इस तरह से थोड़ी देर के लिए रख देंगे, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकल जाए। अभी प्याज को एक प्लेट पे निकाल लेंगे। अभी वही ऑयल पे मैंने जो अंडे को रखा था ना मैरिनेट करके, वो डाल देंगे। तो मैंने सभी अंडे को डाल दिया है। और अंडे को डालने के बाद अंडे को शेलो फ्राई करेंगे। तो हल्का सा ही अंडे को फ्राई कर लेंगे। तो देख सकते हैं मैंने अंडे को हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो अभी सभी अंडे को निकाल लेंगे एक प्लेट पे। अभी अंडे को रख देंगे साइड पे। अभी वही ऑयल पे डाल देंगे कुछ करे मसाले। तो मैंने यहाँ पे 1 दालचीनी के टुकड़े, 2 इलायची और 3-4 लौंग डाल दिया है। और अभी इसमें ऐड करेंगे 4 के चम्मच से 1 चम्मच जीरा। और जीरा डालने के बाद इसे हल्का सा फ्राई होने देंगे। जैसे ही थोड़ा करे मसाले फ्राई हो जाए अभी इसमें डाल देंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज की प्याज को इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है, वो डाल देंगे। और सभी प्याज को डालने के बाद अभी प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे प्याज का कलर चेंज होने तक। देख सकते हैं प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अभी इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच डाल दिया है। अभी अदरक लहसुन की पेस्ट को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो भी अच्छी तरह से चला जाए। तो मैंने 1 मिनट तक अच्छे से अदरक लहसुन की पेस्ट को भी फ्राई कर ली है। अभी इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज की टमाटर को इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है। और टमाटर डालने के बाद इसमें ऐड करेंगे नमक। तो टमाटर पे नमक डालने से टमाटर पानी छोड़ता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे टमाटर पे नमक डाला है। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो टमाटर को रख देंगे साइड पे फ्राई होने के लिए और चेक कर लेते हैं जो पानी उबलने के लिए रखा था वो। तो 10-15 मिनट हो चुका है, पानी जो है वो अच्छे से उबल चुका है और पानी में मसालों का जो फ्लेवर है वो भी पूरी तरह से आ चुका है। तो जो करे मसाले है इसको निकाल के रख देंगे साइड पे और अभी इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नींबू का रस और उसी के साथ इसमें डाल देंगे कटी हुई थोड़ा सा हरा धनिया और कटी हुई पुदीने के पत्ते डाल देंगे और जो फ्राई किया हुआ प्याज रखा था ना वो भी डालना आप लोग, तो मैं डालना भूल गई थी तो बाद में मैंने डाला है। अभी जो चावलों को भिगो के रखा था ना वो चावल को डाल देंगे और सभी चावलों को डालने के बाद चम्मच की मदद से इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो चावल है वो नीचे से लगे ना। तो अभी चावलों को रख देंगे कुक होने के लिए। तो चावलों को ना 80% कुक करना है, 100% चावलों को कुक नहीं करना है। तो जब तक चावल कुक हो रहा है हमने जो प्याज और टमाटर को फ्राई होने के लिए रखा था ना इसको चेक कर लेंगे। तो अभी देख सकते हैं टमाटर जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। तो अभी इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर 3 हरी मिर्च को इस तरह से लंबाई से कट कर डाल दिया है। अभी इसमें डाल देंगे मसाले। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 चम्मच हल्दी पाउडर और डाल देंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, डाल देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, डाल देंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर और सभी मसाले को डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मसाले को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि मसाले का जो कच्चापन है वो अच्छी तरह से चला जाए। तो देख सकते हैं मैंने मसाले को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अभी मैंने यहाँ पे ले लिया है दही। तो दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट के ले लिया है, डाल देंगे और दही को डालने के बाद अच्छी तरह से मसालों के साथ दही को मिक्स कर लेंगे। तो मैंने दही को 2-3 मिनट तक अच्छे से भून लिया है मसालों के साथ। अभी इसमें ऐड करेंगे 1 कप जितना पानी और पानी डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद ढक्कन से ढककर रख देंगे 5 मिनट के लिए ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह से पक जाए। 5 मिनट के बाद ढक्कन को हटाएंगे और आप लोग देख सकते हैं मसाला जो है वो अच्छी तरह से भून चुका है, मसालों ने ऑयल भी छोड़ दिया है। अभी गैस के फ्लेम को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और इसमें जो फ्राई किया हुआ प्याज को रखा था ना वो डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही फ्राई किया हुआ प्याज डाल दिया है और डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कटी हुई हरा धनिया, डाल देंगे थोड़ा सा कटी हुई पुदीने के पत्ते और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे और 2 मिनट तक इसे अच्छी तरह से भून लिया है। अभी इसमें ऐड करेंगे फ्राई किया हुआ अंडे को और अंडे को डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने अंडे को 1 मिनट तक सभी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है और अभी इसमें ऐड करेंगे पानी। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1 कप जितना पानी और पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से कुक होने के लिए रख देंगे ताकि अंडे में अच्छे से मसालों का फ्लेवर चला जाए। 5 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं पानी जो है वो काफ़ी सूख चुका है। अभी इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच बिरयानी मसाला और बिरयानी मसाला डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हमारा जो एग करी है बनकर तैयार है, इसको रख देंगे साइड पे और हमने जो चावलों को कुक होने के लिए रखा था वो चेक कर लेंगे। तो इस तरह से चावलों को चेक कर लेंगे कि वो 80% कुक हुआ है या नहीं। तो देख सकते हैं चावल जो है वो 80% कुक हो चुका है। तो अभी क्या करेंगे, इस समय सभी चावलों को निकाल लेंगे एक बर्तन पे ताकि इसका जो पानी है वो सारा निकल जाए। तो इस तरह से निकाल लेंगे। तो इस तरह से सभी चावलों को निकालने के बाद चलते हैं लेयरिंग की ओर। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 बर्तन, आप कोई भी कढ़ाई या कोई भी बर्तन ले सकते हैं। अभी जो अंडे की मसाला है ना वो डालेंगे, तो सबसे नीचे अंडा नहीं डालेंगे नहीं तो अंडा जो है वो जल सकता है। तो अंडे के जो मसाला है, ग्रेवी है, वो इसमें पहले डालेंगे और ग्रेवी को डालने के बाद अभी इसमें डाल देंगे चावलों को। तो इस तरह से फैलाते हुए चावलों को धीरे धीरे डाल देंगे और चावलों को डालने के बाद अभी अंडे को डाल देंगे बीच में और जो ग्रेवी बचा है वो भी डाल देंगे। अंडे को डालने के बाद डाल देंगे फ्राई किया हुआ प्याज को और प्याज डालने के बाद ऊपर से फिर से डाल देंगे चावलों को।
मैंने यहाँ पे चावल डाल दिया है। अभी डाल देंगे फ्राई किया हुआ प्याज को, और उसके बाद इसमें डाल देंगे एक चम्मच नींबू का रस। आप नींबू की स्लाइसेस काट के भी डाल सकते हैं। डाल देंगे रेड फूड कलर और डाल देंगे ग्रीन फूड कलर थोड़ा सा, ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तो ही डालना, नहीं तो मत डालना। और अभी इसमें डाल देंगे कटी हुई पुदीने की पत्ते और डाल देंगे कटी हुई हरा धनिया, और लास्ट में डाल देंगे एक चाय की चम्मच बिरयानी मसाला, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो चलिए चलते हैं अभी गैस की ओर। तो मैंने तवे को रख दिया है गर्म होने के लिए, 10 मिनट तक तवा गर्म हो चुका है। अभी बर्तन को इस तरह से तवे के ऊपर रख देंगे, और अभी इसमें क्या करेंगे, एक चम्मच मैंने यहाँ पे ले लिया है देसी घी, तो चारों तरफ इस तरह से थोड़ा थोड़ा घी डाल देंगे, तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है घी डालने से। अभी ढक्कन से ढककर रख देंगे और 15 मिनट के लिए इसे अच्छे से कुक होने देंगे। अभी 15 मिनट के बाद ढक्कन को हटाएंगे, और आप लोग देख सकते हैं हमारा बिरयानी बनकर तैयार है। गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और बर्तन को निकाल लेंगे। तो ये लीजिए हमारा मज़ेदार बिरयानी बनकर तैयार है। तो साइड में से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जब भी आप बिरयानी बनाओ ना, तो इस तरह से साइड में से ही मिक्स करना, तभी जो बिरयानी का जो चावल है वो टूटेगा नहीं। तो पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बाद में प्लेट में सर्व करेंगे। तो लीजिए हमारा मज़ेदार अंडा बिरयानी बनकर तैयार है। तो आप लोग भी घर पर आसानी से इस अंडा बिरयानी को बनाकर जरूर ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए मेरी रेसिपी को, और अपने फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय फ्रेंड्स।